नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों का। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस बीच हरियाणा के सभी विधायक दिल्ली में हैं। हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में गुरुवार को 40 सीटों पर जीत दर्ज की है, मगर पार्टी 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने में विफल रही। कांग्रेस 31 सीटें जीतकर राज्य में दूसरी बड़ी पार्टी बनी, जबकि नवगठित जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें हासिल की। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद सरकार बनाने के लिए चल रही जद्दोजहद के बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। दीपेंद्र ने भाजपा और खट्टर को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों पर अपनी भड़ास निकाली है। हुड्डा ने कहा, जो निर्दलीय विधायक खट्टर सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जनता उन्हें जूते से मारेगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कन्या सुमंगला योजना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी में इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। जिलों में मंत्रियों की मौजूदगी में योजना की शुरुआत होगी। महिला कल्याण विभाग की ओर से लोक भवन में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री योजना के लिए तैयार पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। दिवाली से पहले आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। जी हां, पेट्रोल में 12 पैसे और डीजल के दाम में 7 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल के दाम क्रमशः 73.06 रुपए, 78.68 रुपए, 75.71 रुपए और 75.85 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चारों महानगरों में डीजल के दाम क्रमशः 66 रुपए और 69.17 रुपए और 68.36 रुपए और 69.71 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। अमेज़न के संस्थापक और CEO जेफ बेजोस अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स नहीं रहे। उनकी ये जगह अब किसी और ने ले ली है। अमेज़न के शेयरों में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट की वजह से अब उनकी संपत्ति $103.9 पर पहुंच गई है। अब वह पहले नंबर से खिसक कर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अब नंबर एक पर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स आ गए हैं। उनकी संपत्ति की कीमत $105.7 है। रामपुर में पुलिस जीप ने एक रिक्शा चालक को टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से गुस्साए लोगों ने पुलिस जीप पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लोगों को मौके से खदेड़कर मामला शांत कराया। लखनऊ में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने ऑनलाइन कंपनियों के विरोध में पदयात्रा निकाली, जिसमें व्यापार मंडल के लोगों ने ये अपील की कि वो ऑनलाइन कंपनियों का विरोध करें। इस दौरान अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा, हिंदुस्तान में जब से FDI रिटेल को अनुमति दी गई है, तब से अमेरिकन कंपनी अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने आधे से ज्यादा बाजार पर कब्जा कर लिया है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। झांसी में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों ने रेलवे के निजीकरण का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान रेल कर्मियों ने जुलूस निकाला और रेलवे की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। NCRMU के मंडल अध्यक्ष RN यादव ने कहा कि केंद्र सरकार रेल को पूरी तरह से निजी हाथों में दे देना चाहती है, कर्मचारी इस कदम को स्वीकार नहीं करेंगे। जो नई भारत की सरकार बनी है वो रेल को बेचने की जो साजिश की जा रही है, रेल को जो प्राइवेटाइजेशन करने की साजिश कर रही है, उसके विरोध में आज पूरे भारतीय रेल में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते झांसी मंडल में भी पूरी झांसी मंडल के सभी कर्मचारी आकर यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। फिरोजपुर में एक बेकाबू कार ने एक महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
बाराबंकी में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध सार्वभौमिक प्रेम एवं कौमी एकता का प्रतीक हाजी वारिस अली शाह का देवा मेले का समापन हो गया है। प्रेम सौहार्द कौमी एकता के प्रतीक देवा महोत्सव को विश्व प्रसिद्ध मेला बताते हुए एसपी आकाश तोमर ने देवा मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए कई दस्ते लगाए गए थे।